हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं दीपक कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम जोश हिंदी पर। साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति बहुत ही शानदार टॉपिक है दोस्तों, इससे ही जो है सभी टॉपिक मिलकर बने हुए हैं। संख्या पद्धति का प्रत्येक टॉपिक में यूज होता है। ठीक है साथियों, संख्या पद्धति का हम आज बेसिक से बिल्कुल पढ़ने वाले हैं और उसके नियम सभी प्रकार के जो उनसे नियम लगते हैं उसके अंदर सभी हम बेसिक के साथ यानी पढ़ेंगे। बिल्कुल भी जल्दी नहीं होगी इस क्लास में। ठीक है साथियों, इस क्लास को जो पहली बार ले रहा है, जिसने मैं तो पढ़ा ही नहीं बिल्कुल भी, पहली बार पढ़ रहा है, उसकी भी समझ में आएगा। ठीक है साथियों, 100% गारंटी की बात है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक जो है और पढ़ते हैं, नियम पढ़ते हैं दोस्तों संख्या पद्धति के हम पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, विभाजन के नियम पढ़ने वाले हैं दोस्तों आज हम। संख्या पद्धति में नियम बहुत ही इम्पोर्टेंट यानी साबित होंगे आपके। यदि आपके नियम बहुत ही अच्छी तरीके से याद हैं तो आप किसी भी चैप्टर में यानी संख्या पद्धति जो है इसमें कोई भी सवाल आप हल कर लोगे। देखिए, भाग के नियम पढ़ेंगे दोस्तों हम आज। पहला नियम है दोस्तों, दो से भाग होने वाला नियम यानी दो से जो संख्या भाग होगी उसका क्या नियम है। देखिए दोस्तों, पेन कॉपी लेकर जरूर बैठे हैं आज क्लास में। ये आज बहुत ज़रूरी है, आपको लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप लिखोगे नहीं ये इतने नियम हैं आपके याद नहीं होंगे। ठीक है साथियों, चलिए देखते हैं पहला नियम। पहला नियम है दो से भाग होने का नियम। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या दो से भाग होगी। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, उदाहरण दिए हैं दो। देखिए संख्या क्या है, संख्या में कितने अंक है, देखिए 1, 5, 7, 8, 9, 3, 4 और 0। उसने क्या नियम दिया आराम से, 0, 2, 6 यानी चार दोस्तों, सॉरी 4, 6, 8, इन संख्याओं में से कोई भी संख्या अगर उसके इकाई के अंक में होगी तो वह संख्या भाग होगी। तो आप पहली संख्या देख रहे हैं आप, इसके इकाई के अंक में क्या है, 0, नियम में भी क्या है, 0, तो ये संख्या पूर्ण रूप से भाग हो जाएगी दो से। अगली संख्या देखिए दोस्तों, अगली संख्या देखिए, अगली संख्या के इकाई का अंक क्या है दोस्तों, 8। 8 यहाँ नियम में भी है यानी ये संख्या पूर्ण रूप से भाग हो जाएगी। चाहे आप भाग करके देख लीजिए दो से इसको, ये बिल्कुल पूर्ण रूप से भाग होगी। ठीक है साथियों, अगला नियम देखिए। अगला नियम है तीन से भाग होने के नियम, यानी तीन से जो संख्या भाग होगी उसके क्या नियम है, उसमें क्या प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए। देखिए, यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 3 से भाग हो तो वह संख्या 3 से भाग होगी। यानी जो संख्या देगा आपको उस संख्या के जितने भी अंक हैं उनको सभी को जोड़कर जो हमारा योग बनेगा उसको हम अगर 3 से भाग दें, अगर वो भाग पूरा पूरा हो रहा है तो संख्या भी पूरी पूरी भाग हो जाएगी। देखिए, पहला नंबर दिया है उसने, यहाँ लिख रहा हूँ मैं आपके लिए, 75, 681 ये नंबर है, उदाहरण है दोस्तों, ये 84 है दोस्तों, यहाँ पर 84, 75, 684 ये संख्या दी है उसने। अब इसको 3 से भाग होगी या नहीं होगी हम चेक कर ले रहे हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए 7 और 5 कितने होंगे आपके, 12, 12 और 6 18, 18 और 8 26, 26 और 4 कितने हो गए, योग इनका 30। तो हम देख रहे हैं कि इसका योग भी 3 से पूरा पूरा भाग हो रहा है यानी कट रहा है। ठीक है साथियों, तो ये संख्या भी पूरी पूरी किससे, 3 से भाग हो जाएगी। अगला उदाहरण देखिए, अगला उदाहरण क्या दिया है उस, तो 96, 34 और 21 ये संख्या दी है उसने अगले उदाहरण में। ये संख्या क्या 3 से भाग हो रही है या नहीं हो रही है, देखिए 9, 6 कितने हो गए आपके, 15, 15 और 3 18, 18 और 4 कितने होंगे, 22, 22 और 2 24 और 1 25। तो हम देख रहे हैं कि ये संख्या जो इसका योग आया है वो 3 से भाग नहीं होगी, तो ये संख्या भी भाग नहीं होगी 3 से। ठीक है साथियों, ये इसका नियम कहता है। चलिए अगला नियम देखते हैं। अगला नियम क्या है, अगला नियम है 4 से भाग होने का नियम। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले,
चार से भाग होने का नियम क्या है दोस्तों, ये देखिए, यदि दी गई संख्या के अंतिम दो अंकों से बनी संख्या चार से भाग हो तो वह संख्या चार से पूर्ण रूप से भाग हो जाएगी। यानी दोस्तों दो अंक क्या होंगे, लास्ट के दो अंक हैं जो हैं उसके किसी भी संख्या के चार से भाग होने की प्रोबेबिलिटी है दोस्तों। नियम है चार से भाग कब होगी वो संख्या, ये संख्या दी है आपको, इसके जो लास्ट के दो अंक हैं वो कितने हैं 32। हम देख रहे हैं लास्ट के जो दो अंक हैं इसके वो चार से पूर्ण रूप से भाग हो रहे हैं, तो ये संख्या भी पूरी पूरी भाग हो जाएगी चार से। क्यों? क्योंकि ये नियम कहता है इसका चार से भाग होने का, तो ये संख्या पूरी भाग हो जाएगी। अगली संख्या देखिए, अगली संख्या के जो लास्ट के अंक दो हैं वो देखिए क्या है, लास्ट का अंक 54 इसके लास्ट के अंक हैं। तो हम देख रहे हैं चार से अगर इसको भाग करें, 4 ही कम 4 और बचे कितने 14, तो ये पूरा भाग नहीं हो पा रहा है इससे, तो ये संख्या भी जो है चार से भाग नहीं होने वाली है, क्योंकि इसके नियम में ये दिया गया है। ये नियम इसलिए है दोस्तों ताकि आपको सोचना ना पड़े किसी भी संख्या को भाग, बड़ी से बड़ी संख्या जब आपके सामने आएगी तो आपको उसको भाग करने में दिक्कत होगी, तो आप नियम से चेक कर सकते हैं इसको कि ये भाग हो भी सकती है कि नहीं भी हो सकती है। ठीक है साथियों, अगला नियम देखिए, चौथा नियम है दोस्तों ये 5 से भाग होने का नियम। ये दोस्तों सबसे आसान नियम है, इसको आप बिना लिखे भी याद कर सकते हो, वैसे आप लिख लेना जरूरी इस नियम को भी। इसका नियम क्या है, यदि दी गई संख्या का इकाई अंक 5 या 0, 5 या 0 में से कोई भी अंक अगर किसी भी संख्या के लास्ट में होगा तो संख्या 5 से भाग होगी। दो संख्या दी है उसने, ये देखिए और ये सेकंड संख्या है, आप इनको भाग कर कर देख लीजिए, दोनों ही संख्या 5 से पूर्ण रूप से भाग हो जाएंगी। अगला नियम देखिए, अगला नियम क्या है, 7 से भाग होने का नियम। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन आपको जब इसको आप रिवाइज करोगे, पढ़ोगे यानी नोट करोगे तो बड़े आसानी से सीख जाओगे। देखिए, यदि इकाई का अंक छोड़कर इकाई का अंक का 2 गुना संख्या से घटा देने के बाद बची संख्या, जो संख्या बची जाती है वो अगर 7 से भाग हो तो संख्या 7 से पूर्ण रूप से भाग हो जाएगी। देखिए कैसे, उदाहरण के लिए क्या दिया हुआ है, 882 दिया उसने हमसे, 882। अब इस संख्या का इकाई का अंक आप हटा दीजिए, आप इसमें से छोड़कर, यानी इकाई का अंक छोड़कर, तो इकाई का अंक छोड़ने के बाद संख्या क्या बचती है 88, और इकाई का अंक 2 गुना कर दीजिए आप, इकाई का अंक क्या है 2, 2 को 2 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, बराबर 4 हो जाएगा। ठीक है साथियों, 4 इसमें से आप घटा दीजिए तो संख्या कितनी बचती है 84। तो हम देख रहे हैं 84 जो है 7 से भाग हो जाएगी पूरी की पूरी संख्या। देखिए कैसे, 7 ही कम 7, एक बार पारा चल गया, बचा कितना 1, 4 इधर से उतार लिया तो 7 दुनी 14, यानी पूरी पूरी जो है भाग हो रही है संख्या, तो ये संख्या भी जो है पूरी पूरी भाग हो जाएगी इससे। अगली संख्या देखिए, अगली संख्या क्या है 663। ठीक है साथियों, अब देखिए इसका इकाई का अंक छोड़ दीजिए, संख्या कितनी बचेगी 66, इकाई का अंक का 2 गुना कर दीजिए कितना होगा 3 दुनी 6, अगर 6 इसमें से घटा देंगे तो संख्या कितनी बचेगी बताइए जल्दी से, कितनी बचेगी 60, 60 संख्या बचेगी। 60 को हम देख रहे हैं 7 से भाग नहीं होने वाली है, तो ये संख्या 7 से भाग नहीं होगी। चलिए अगले नियम देखते हैं, चलिए अगला नियम देखिए क्या है, अगला नियम है दोस्तों नियम 6, 8 से भाग होने के नियम। 8 से भाग होने का नियम क्या कहता है दोस्तों, ये देखिए, कोई संख्या 8 से तभी भाग होगी जब उसके अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से भाग हो। यानी कोई संख्या तो दी है आपको, वो संख्या 8 से तभी भाग होगी जब उसके अंतिम 3 अंक हैं जो उसके वो 8 से अगर भाग हैं तो ही वह संख्या 8 से पूरी पूरी भाग हो पाएगी। देखिए कैसे, ये संख्या दी है उसने आपको, इसके लास्ट के 3 अंक देखिए आप, 3 अंक क्या है 416। आप देखिए अगर ये 8 से पूरे पूरे भाग हो रहे हैं तो ये संख्या भी पूरी पूरी भाग हो जाएगी। देखिए कैसे, इसको अगर 8 से भाग करें आप, कितने होते हैं 8 5 40, कितना बचा 1, इधर से 6 उतार लिया
आठ दुनी 16, यानी पूरी पूरी संख्या जो है भाग हो रही है, हो जाएगी ये, क्योंकि इसके जो अंतिम तीन अंक हैं वो 8 से भाग हो रही हैं। अगला देखिए उदाहरण क्या है, अंतिम तीन अंक देखिए, इसके अंतिम तीन अंक कितने हैं, 321। ये देखिए अगर ये 8 से भाग होते हैं तीनों अंक, तो ये पूरी पूरी भाग हो जाएगी, यानी अंतिम तीन अंकों से बनी संख्या को देखना है हमें। ठीक है साथियों, देखिए 8 चौक 32 हो गया, पूरा का पूरा चलेगा यहाँ पे, लेकिन क्या बचा, एक, ये भाग नहीं हो रहा है एक से, तो ये संख्या जो है भाग नहीं होगी बिल्कुल भी 8 से। ठीक है साथियों, अगला नियम देखिए क्या कहता है, अगला नियम है 9 से भाग होने का नियम, यानी कोई संख्या 9 से भाग क्या होगी। इसका नियम क्या है, यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 9 से पूर्णतः भाग हो, यानी जो संख्या दी है उसने सभी अंकों का उनको जोड़कर जो उनका योग बनता है, अगर वो 9 से भाग हो रहा है तो वो संख्या पूरी पूरी 9 से भाग हो जाएगी। देखिए कैसे, उदाहरण देखिए, 7 और 5 कितने होंगे आपके, 12, 12 और 4 16, 16 और 6 22, 22 और 2 24, और 3 27, इनका योग कितना आ रहा है, 27। तो क्या ये 9 से भाग हो रहा है, तो आप कहोगे कि पूरा पूरा भाग हो जाएगा, 9 + 27, तो ये संख्या भी पूरी पूरी 9 से भाग हो जाएगी। बड़ा ही कमाल के नियम है दोस्तों, अगर संख्या बहुत बड़ी दे दे आपको, बोल दे कि क्या ये 9 से भाग होगी या नहीं होगी, तो आप उनके अंकों का योग जोड़कर 9 से अगर वो भाग हो रहा है तो आप चेक कर सकते हैं कि भाग होगी या नहीं होगी। अगला देखिए क्या है, देखिए 3 और 7 कितने होंगे, 10 और 5 15, 6 21, 21 और 9 30, और 3 33। तो क्या 33 जो अंकों का योग है ये 9 से भाग हो रहा है, 9 + 27 और 9 + 36, ये भाग नहीं होने वाला है, इससे भाग नहीं होगा, तो ये संख्या भी जो है इससे भाग नहीं होने वाली है। दोस्तों ये वीडियो यहीं तक है दोस्तों, बाकी जो भाग है हम कल की क्लास में हम पढ़ेंगे। ठीक है साथियों, वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जो आपने ये नोट बनाई है दोस्तों आज के, इसको रिवाइज करना ना भूले। क्लास देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।